उन अमेरिकी फर्मों के लिए खतरे की घंटी बज गई है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने की सोच रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे फर्मों को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। देश में नौकरियां बनाए रखने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने एयर कंडीशनिंग कंपनी करियर के साथ सहमति बनने की घोषणा की है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली बार पब्लिकली कमेंट करते हुए ट्रंप ने इंडियानापोलिस स्थित करियर प्लांट के कर्मचारियों से कहा, अब बिना परिणाम भुगते कंपनियां अमेरिका छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगी, ये अब नहीं होने जा रहा है। कंपनियां बेहतर डील की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकती हैं, लेकिन देश छोड़कर जाना अब काफी मुश्किल होगा। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने बार बार धमकी देते हुए कहा था कि जो फर्म देश छोड़कर सस्ते श्रमिकों वाली जगहों जैसे मेक्सिको या एशिया जाएंगी तो उन पर भारी जुर्माना थोपा जाएगा। ट्रंप ने खास तौर पर यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के ब्रांड करियर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह इस कंपनी को हजारों नौकरियां मेक्सिको नहीं ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ऐसा करती है तो उनका प्रशासन करियर के उत्पादों पर भारी जुर्माना थोपेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।